पंजाब यूनिवर्सिटी विच होस्टल विच रहन वाले विद्यार्थियों वालों अज प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्हों का यह कहना है कि DSW खुद उन्होंने वख-वख होस्टल्स विच आके उन्होंने कहा जा रहा है कि होस्टल्स खाली किए जाए, लेकिन इन्हों का यह कहना है कि इस वेले कोरोना वर्गी महामारी जिते फैली हुई है, कोई बिहार तो है, कोई झारखंड तो है, कोई जम्मू कश्मीर तो है, कोई लेह लद्दाख तो है, तो इन्नी दूर जाना अजिहे समय विच बिल्कुल सेफ नहीं है। सो जिसनों लैके अज ये सारे ही जिहड़े विद्यार्थी ते जिहड़े कि प्रोटेस्ट कर रहे ने कि असी होस्टल खाली नहीं करांगे, और आपां उहदे नाल भी गल करदे ने और आखिर जानदे ने कि आखिर क्या क्या उन्हां वल्लों कहा गया है और क्या क्या चीज़ां हुंदे। आपसे जानना चाहेंगे, आप लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हो यहाँ पे, क्या कहा गया है DSW की तरफ से हॉस्टल्स खाली करने के लिए कहा गया है और क्या क्या उन्होंने कहा, क्या इन पर्सन आके सबको बोला है? देखिए, सारे हॉस्टल्स में DSW गए हैं और ये फोर्सफुली हॉस्टल्स से बच्चों को बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और बच्चों को ये क्लियरली बोला जा रहा है कि आप धमकी दी जा रही है कि बाहर निकल जाओ, आपका यहाँ पे रहने का कोई राइट नहीं है, और स्टूडेंट पे ये भी बोला जा रहा है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स अब कोई राइट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इतनी बड़ी बात अगर कोई भी DSW बोलता है कि स्टूडेंट्स कोई राइट एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जो कैंपस जो छात्रों का होता है, जिसमें स्टूडेंट्स का स्टेक होता है, उस कैंपस को इन लोगों ने अपना प्रशासन का अपना एक तानाशाही तंत्र बना रखा है कि जब चाहते हैं वो स्टूडेंट्स को मर्जी से कभी भी भगा देते हैं, जब चाहते हैं वो मेस बंद कर देते हैं। हुण सिचुएशन ये है कि कोई स्टूडेंट हैगा, कोई जम्मू तो आ, कोई असाम तो आ, कोई कितों आ, हरेक दे अलग अलग रीजन ने। कोई असाम का स्टूडेंट अगर वो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट के नाल जाएगा तो किन्ने लोगों को मिल के जाएगा, घर अगर जाएगा तो यह जो कोरोना लेके जा सकता। उन्होंने सवाल किया DSW ने कि जो सानू बाहर जाने लिए कह रहे हो, सानू हॉस्टल खाली करने का कारण क्या है, सानू पहला कारण दसो, क्या उन्होंने कोई कारण दसा? नहीं, उन्होंने कोई कारण नहीं दसा, कहते तुम जाओ बस, क्योंकि थोड़ा रहने का रीजन ही है, क्योंकि UGC MHRD ने सानू कुछ नहीं कहा, ना ही असी नहीं कहा तुम सानू रिटर्न के नोटिस दो, उन्होंने रिटर्न के भी कोई नोटिस नहीं दिता। सो कोई जवाबदेही भी DSW वालों इन्होंने नहीं दी गई कि क्या कारण है जो इन्होंने स्कूल कॉलेज जो हॉस्टल्स खाली करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन जो तक जवाब नहीं मिलेगा प्रोटेस्ट इसी तरीके दे नाल जारी रहेगा, और पूरी यूनिवर्सिटी नु ब्लॉक करने की गल भी इन्होंने वालों कही गई है। कैमरामैन तुलसी मेहर नाल अमनप्रीत कौर, PTC न्यूज़ चंडीगढ़। कोरोना महामारी चल रही है मलेरकोटले की, जेकर गल करिए मलेरकोटला कोरोना पॉजिटिव के जो केस ने वह लगातार बढ़ रहे हैं, तो मौतों की गिनती भी है जी बढ़ रही है। DC संगरूर अज खुद मलेरकोटला के कई महल्या जोड़ा है जा गए ने, तो लोगों गलबात की गल करा DC संगरूर साहब नाल भी की कहो की गलबात की हुई है। सर मलेरकोटला के पिछले कुछ दिनों ज़्यादा केसिस आ गए सी, बट असी कंटेनमेंट जोन बनाए तो 2 दिन का लॉकडाउन भी किया, काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट आए, बट लोगों के मन कुछ डाउट सके कि भाई क्यों सानू स्पेशल ट्रीटमेंट दिता जा रहा, तो वो डाउट्स क्लीयर करने वास्ते जोड़े इतों के मोतबर सीगे उन्होंने नाल असी मीटिंग की, हेल्थ डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स ने भी उन्होंने जेडे डाउट्स क्लीयर किए, मुफ्ती साहब ने भी अपील की, उन्होंने गुजारिश की कि भाई टेस्टिंग दे विच कोऑपरेट करो हेल्थ डिपार्टमेंट नूं, ताकि बदकिस्मती नाल जिस किसी नूं अलामत लग गई है उहदा प्रॉपर टेस्टिंग करके उहदा प्रॉपर इलाज हो जी। बिल्कुल, शहर वासी ने सर की कहोगे, अज DC साहब आए थी, किन्ना क जिहड़ा हैगा ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਝ ਚ ਆਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ? ਸਾਡੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਜੋ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ DC ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਲਮਾਲਪੁਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਬੜ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ DC ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, DC ਅਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ PTC ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਜਮੀਲ ਖੇੜੀਵਾਲਾ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਲੋਕ 2 ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿੰਧੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜੇਕਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ
जिहड़ियां लापरवाही और खतरे की घंटी वाल इशारा कर रही ने। जिस तरीके दे नाल करोना दे केस लगातार वध रहे ने, 6 लाख तो वध करोना वायरस के केस देश भर दे विच सामने आ चुके ने और अजिहे च अनलॉक की प्रक्रिया जारी है, जिस दे विच सरकार ने जिहड़ियां ने कुछ रियायतां दित्तियां ने, पर नाल ही लोगों नू जिहड़ी है अपील की जा रही है लगातार कि सावधानी जिहड़ी है वरतो, केवल जरूरत पैण ते ही जिहड़ा घरों बाहर निकलिया जाए और जिहड़ा है बाहरी गतिविधियां नू अंजाम दिता जाए। पर लोगों दीआं जो तस्वीरां ने ये किते ना किते वड्डी लापरवाही वालीआं तस्वीरां ने, जो आने वाले समय के एक वड्डे खतरे के निशान वाल जिहड़ियां ने इशारा कर रही ने। जिस तरीके दे नाल लोग जिहड़े ने इंटरस्टेट ट्रैवल कर रहे हैं और ट्रैफिक की सड़कों के उत्ते भरमार है, आने वाले दे विच करोना का ग्राफ जिहड़ा है होर वध सकदा है। दिल्ली सिंधु बॉर्डर दीआं तस्वीरां ने जिथों रोज़ाना जिहड़ियां ने पंजाब और हरियाणा तो हज़ारां की गिणती में गड्डियां जिहड़ियां ने इंटरस्टेट ट्रैवल कर रही ने। दूसरे पासों दिल्ली दीआं तस्वीरां भी तुहानूं दिखा दईए कि दिल्ली तो जो पंजाब हरियाणा वाल जो वाहन जा रहे ने, यही तस्वीरां उस पासे दीआं ने कि दिल्ली तो पंजाब और हरियाणा भी हज़ारां की गिणती दे विच वाहन जिहड़े ने रोज़ाना सफ़र कर रहे ने। और जिस तरीके दे नाल सरकार वल्लों जो अपीलां कीतियां जा रही ने सावधानी वरतन दीआं, किते ना किते लोगों की लापरवाही जिहड़ी आ उह जरूर सामने आ रही है कि केवल जरूरत पैण ते घरों बाहर निकलिया जाए। इस दे उत्ते लोग जिहड़े ने बहुत घट जिहड़ा अमल करते हुए दिखाई दे रहे ने। कैमरा परसन विक्रम डोगरा दे नाल जसमीत सिंह, PTC न्यूज़ दिल्ली। पंजाब विच लगातार करोना वायरस का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, अत की गर्मी ने भी लोगों को परेशानी के पा के रख दिता। पहला कुछ महीनों तो लगातार चल रहे लॉकडाउन से अनलॉकडाउन की जी मार है वो लोग झेलते दिखाई दे रहे हैं, हजे वो मार जी हैगी लोगों ने झेली नहीं गई, तो हूँ जी गर्मी की मार हैगी लोगों के उत्ते जी पैंती दिखाई दे रही है, जिस करके काम जड़े है वो पूरी तरह ठप जड़े है हो के रह गए हैं। पूरिया सड़क इस गल की गवाही पासियां दिखाई दे रही ने भी लोग गर्मी के करके जो घर कैद होने जो मजबूर हो चुके हैं। करोना वायरस है उन्हें डर करके लोग घर बंद नहीं सी होए, जिन्हें गर्मी के प्रभाव करके लोग जो घर बंद होकर रह गए हैं। बाजारों के जो गल की जाए, दुकाना की गल की जाए, कारोबार पूरी तरह जड़ा वो ठप दिखाई दे रहा, जिते करोना वायरस की मार है उत्थे गर्मी की मार भी जी जो कारोबारियों को झेलनी पै रही है, जिस करके जड़े लोग हैगे वो काफ़ी परेशानी जी है दिखाई दे रहे हैं। तो लोगों का ही कहना भी करोना वायरस करके जड़े लोग हैगे जरूरी समान लैन वास्ते जरा कारोबार निकलते हैं, लेकिन जो रूटीन का जरा कारोबार है वो जरा पूरी तरह ठप हो चुका। कैमरामैन महेंद्र के नाल सरबजीत सिंह, PTC न्यूज़। पंजाबी दी कहावत है भंडा भंडारिया किन्ना कपार, एक मुठ्ठी चक लै दूजी तैयार, कुछ अजिहा ही वर्ताओ पंजाब सरकार दे वल्लों फिलहाल सूबे दे लोगों दे नाल कीता जा रहा। एक तो बाद एक लगातार आर्थिक तौर उत्ते बोझ लोगों उत्ते सरकार दे वल्लों पाया जा रहा। पहला जिथे पेट्रोल डीजल ते वैट वधाया गया, फिर बसों के किराए वधाए गए, तो हुण जो खबर निकल के सामने आ रही है कि पंजाब सरकार दे वल्लों अगले दिनों दे विच प्रॉपर्टी दे नाल संबंधित जिहड़ियां रजिस्ट्री होंदियां ने उन्हां उत्ते स्टैंप ड्यूटी वधाई जाण वाली है। इस वक्त असीं जलंधर के सब रजिस्ट्रार दफ्तर के कंपलैक्स के खड़े हैं, जिथे कि जलंधर शहरी और देहाती दे वास्ते वड्डी गिणती दे विच लोग रोजाना आउंदे ने इत्थे अपनियां प्रॉपर्टीज़ की रजिस्ट्रेशन करवाउण वास्ते। फिलहाल जिहड़ियां तत्काल और जिहड़ी नॉर्मल रजिस्ट्रेशन है वो इत्थे हुंदी है, क्योंकि ब्लड रिलेशन वाली जिहड़ी रजिस्ट्रेशन है फिलहाल सरकार दे वल्लों रोकी गई है, वह हाले शुरू नहीं हुई। और जिहड़ी स्टैंप ड्यूटी जिहड़ी वधाई जाण वाली है पंजाब सरकार दे वल्लों, जो हुण तक स्टैंप ड्यूटी लग रही है वह जे कोई पुरश अपने नाम के उत्ते प्रॉपर्टी रजिस्टर करवाउंदा तां 8% उस दे उत्ते जिहड़ी फीस लगती है, और दूसरे पासे महिलावां दे उत्ते जिहड़ी फीस है 6% लगती है। और जो खबरां निकल के सामने आ रही ने, जो संभावना प्रगटाई जा रही है कि घट्टो घट 1-2% जिहड़ी फीस है सरकार दे वल्लों अगले दिनों दे विच वधाई जा सकती है, जिस दे विच कैबिनेट दे विच जिस दे बारे च तजवीज़ लिया जा सकती है। जाहिर जी गल है कि जेकर ये फीस वधदी है तो इसका सीधा सीधा बोझ लोगों की जेब उत्ते पेगा। पहला तो आर्थिक मंदहाली का सामना कर रहे लोगों के उत्ते एक बार फिर पंजाब सरकार के वालों वड्डा बोझ पाया जाएगा। दूसरे पासे सब तो वड्डी खबर भी निकल के सामने आ रही है कि ब्लड रिलेशन के विच स्टैंप ड्यूटी जिहड़ी माफ की गई सी पिछली अकाली भाजपा सरकार के वालों, वह भी दोबारा सरकार के वालों खोली जा सकती है, वह फीस भी दोबारा लोगों को वसूल की जा सकती है। कैमरा परसन जगरूप के नाल पत्रसम सिंह, PTC न्यूज़ जलंधर।